गाइस मेरे हाथ में है दो चीपेस्ट एंड बेस्ट अल्ट्रा स्मार्ट वॉचेस, एक है T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच और दूसरा है हमारा T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उन सारे वीडियोस पे ना गाइस आप लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि भाई इन दोनों स्मार्ट वॉचेस का कंपैरिजन वीडियो लेकर क्या हो ताकि हम लोग सही डिसीजन बना पाए कि हमारे लिए T800 लेना सही रहेगा या T900 लेना सही रहने वाला है। तो आज का ये वीडियो गाइस आप लोगों की डिमांड पे लेके आ रहा हूं, इसलिए इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। मेरा नाम है अनिमेश, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को ठोक डालो, इस चैनल पर मैं आपके लिए अमेजिंग गैजेट्स की वीडियोस लाते रहता हूं। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस कंपैरिजन के कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन कर लिया है, 14-15 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं इनको कंपेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस बॉक्स स्टाइल। तो यहां पे ना गाइस आपको T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच पे वाइट बॉक्स देखने को मिलता है, वहीं पे T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच पे आपको ब्लैक कलर का बॉक्स देखने को मिलता है। बात करें साइज की तो दोनों स्मार्ट वॉचेस के बॉक्स बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो आप देख सकते हो साइज वाइज, आप देख सकते हो थिकनेस वाइज आपको सेम टू सेम बॉक्स मिलता है। कंपैरिजन पॉइंट टू है बॉक्स कंटेंट्स। तो T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर गाइस हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एक यूजर मैनुअल, दूसरा हमें इसके साथ मिल जाता है हमारा ओशन बैंड, आपको कलर ऑप्शन बहुत मिलते हैं, मैंने ऑरेंज कलर का ले रखा था, ब्लैक येलो व्हाइट सब आता है। फिर इसके अंदर हमें एक मिल जाता है गाइस वायरलेस चार्जिंग डॉक, और लास्टली इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है हमारा मेन स्मार्ट वॉच का डायल। वहीं पे गाइस T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर हमें देखने को मिल जाता है सिमिलर बॉक्स कंटेंट्स। सबसे पहले हमें एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, दूसरा इसके अंदर से हमें स्ट्रैप मिल जाता है ओशन बैंड जो मैंने ब्लैक कलर पे ले रखा था, फिर इसके अंदर भी हमें एक वायरलेस चार्जिंग डॉक मिलता है इसे चार्ज करने के लिए, और लास्टली हमारा यहां पे देखने को मिल जाता है स्मार्ट वॉच का डायल। स्ट्रैप्स लगने के बाद गाइस स्मार्ट वॉचेस कुछ इस तरीके के लगते हैं। लुक वाइज मैं बोलूंगा दोनों स्मार्ट वॉचेस का बहुत ही ज्यादा सिमिलर लुक आपको देखने को मिल जाता है। अब आते हैं गाइस पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, बिल्ड क्वालिटी। तो T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर गाइस आपको मिल जाता है फुल मेटेलिक बिल्ड, बैक साइड पे आपको सेरामिक ग्लास देखने को मिल जाएगा, फ्रंट पे हमारा डिस्प्ले। मेटेलिक बिल्ड की वजह से ना गाइस स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ही मजबूत है। अब बात करें T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की तो यहाँ पे भी आपको मेटेलिक डायल देखने को मिल जाता है जो को मजबूती यहां पे काफी प्रोवाइड कर रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, मेटलिक बिल्ड आपको इसका फ्रेम मिल जाता है। अगला पॉइंट है गाइस डिस्प्ले साइज एंड क्वालिटी। T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 1.99 इंचेस का एक आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, और बेजल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म बेजल्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे आपको T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर 2.09 इंचेस का एक डिस्प्ले मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले साइज T800 के कंपैरिजन में बड़ा है, और यहां भी आपको यूनिफॉर्म बेजल्स मिलते हैं, और ये भी एक IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। जब इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को आप सामने रखोगे ना गाइस तब आपको यहाँ पे डिस्प्ले साइज डिफरेंस पता चलता है कि T800 के डिस्प्ले के कंपैरिजन में T900 के डिस्प्ले कितना ज्यादा बड़ा है आप देख सकते हो। अब ब्राइटनेस की बात करें तो T900 के अंदर आपको ब्राइटनेस ज्यादा मिलता है, कलर कंट्रास्ट आपको छोटे स्क्रीन के अंदर ना ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस करता है T800। तो T800 के अंदर ना आपको कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट नजर आते हैं कंपेयर टू हमारे T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के। अगला पॉइंट है कंपैरिजन का क्राउन बटन। तो दोनों स्मार्ट वॉचेस के साइड पे हमें क्राउन बटन्स देखने को मिल जाते हैं। T800 के अंदर भी आपको क्राउन बटन जो मिलता है इस तरीके से आप स्क्रॉल करके यहां पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, मेन्यू पे आप ऊपर नीचे जा सकते हो यहां पे स्क्रॉल करके। और इसके अगर बात करें साउंड की तो एक बार मैं आपको माइक पे सुनाता हूं, कर कर आपको एक साउंड देखने को मिलता है इसके अंदर, इसका क्राउन आपको ना उतना स्मूथ नहीं मिलता है। वहीं पे T900 की बात करें तो T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर भी आपको क्राउन मिलता है जिससे आप यहाँ पे वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, और इसका क्राउन ना गाइस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, माइक पे आपको कोई भी साउंड नहीं मिलेगा देखना। अगला पॉइंट है गाइस यूजर इंटरफेस। तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर ना हमें बिल्कुल सेम टू सेम यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। टॉप टू बॉटम स्वाइप करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है, बॉटम से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको सिमिलर आइकन्स मिल जाते हैं, सिमिलर आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे तो दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप राइट स्वाइप करोगे तो इसके अंदर आपको वॉच फेसेस चेंज करने का फीचर दोनों के अंदर मिलता है। एंड बात करें वॉच फेसेस की तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर ना आपको प्री इंस्टॉल जो वॉच फेसेस मिलते हैं वो सेम टू सेम मिलते हैं, और इस पे मैंने कस्टम वॉच फेस लगा रखा है, कैसे लगाते हैं वो वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। T900 पे मैंने एप्पल लोगो लगा रखा है और T800 पे मैंने खुद के फोटो को वॉलपेपर पे लगा रखा है। अगला पॉइंट है गाइस ब्लूटूथ कॉलिंग। क्या इनके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया है? तो दोनों काफी बजट रेंज स्मार्ट वॉचेस है और दोनों के अंदर ना आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। T800 स्मार्ट वॉच के अंदर भी आपको ब्लूटूथ डायलर और फोन बुक का ऑप्शन मिलेगा, आप फोन से कनेक्ट करके रखोगे तब आप इस पे कॉल्स रिसीव कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली नंबर डायल करके भी बात कर सकते हो,
सकते हो। उसी तरीके से T900 Ultra स्मार्ट वॉच के अंदर भी गाइस हमें यहाँ पे डायलर और फोन बुक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे भी माइक स्पीकर है एंड सिमिलर क्वालिटी का आपको ना ब्लूटूथ कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। दोनों के अंदर जो स्पीकर और माइक है ना सेम टू सेम आपको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन नोटिफिकेशन। ये दोनों स्मार्ट वॉचेस हमारे फोन के साथ कनेक्ट होते हैं हाईवॉच प्रो नाम के एप्लीकेशन के साथ और वहां पे जाकर के ना आप नोटिफिकेशन को इनेबल कर दोगे तो अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, SMS या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो आप इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर रीड कर सकते हो। लेकिन दोनों के अंदर आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है जो कंसिडरिंग द प्राइस नहीं दिया जाएगा। इतने कम प्राइस के स्मार्ट वॉचेस में आपको रिप्लाई देने का ऑप्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस सेंसर्स। तो दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर आपको सिमिलर सा सेंसर सेटअप मिल जाएगा और अगर आप मेन्यू पे जाकर के देखोगे ना तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, हेल्थ ट्रेसिकल, ECG इतने सारे आपको इसके अंदर हेल्थ सेंसर्स मिलते हैं। लेकिन एक्यूरेसी की बात करें ना तो दोनों के अंदर जो आपको सेंसर्स मिलते हैं ना गाइस ये जस्ट एक LED लाइट सेटअप है। इनके अंदर आपको रियल सेंसर्स देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि अगर आप नहीं भी पहनोगे तब पर भी ना इसके अंदर आप देख सकते हो रीडिंग देखने को मिलेगा और बिल्कुल गलत रीडिंग है। इनके रीडिंग्स पे आप रिलाई मत करना। ऐसे जो कम प्राइस के स्मार्ट वॉचेस होते हैं ना उन पे मोस्टली ये फीचर जो दिया जाता है वो बस शो ऑफ करने के लिए रहता है। अगर आपको एक अच्छा हेल्थ सेंसर वाला स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप थोड़े महंगे स्मार्ट वॉचेस की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें क्या देखने को मिलता है। तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर हमें AOD का फीचर मिल जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई गेम है कि नहीं इसके अंदर ये बताओ, तो दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर आपको सेम गेम देखने को मिलता है फाइटर पायलट वाला एंड इनको खेल के आप आराम से अपना टाइम पास कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्या इनके अंदर हमें कैलेंडर कैलकुलेटर मिल जाता है। तो T800 और T900 दोनों स्मार्ट वॉच के अंदर आप देख सकते हो कैलेंडर और कैलकुलेटर दोनों का फीचर है और दोनों वर्किंग है, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा एग्जाम में चीटिंग वीटिंग करना है, मैथ्स कैलकुलेशन बनाना है और आपके यहाँ स्मार्ट वॉच पहनना अलाउड है तो आप ना इससे आप अपने स्टडीज के टाइम में ना कैलकुलेटर को यूज करके कुछ क्विक कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है बैटरी बैकअप। T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर गाइस आपको ना मैक्स टू मैक्स अगर आप नॉर्मल यूज करोगे ना तो आपको 4 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग ये सब यूज नहीं कर रहे हो। वहीं पे अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग नोटिफिकेशन ऐसे हैवी यूजेज करते हो तो आपका ये 1 दिन तक चल जाता है। एंड अगर T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की बताओ तो यहाँ पे अगर आप इसको नॉर्मल यूज करोगे विदाउट एनी नोटिफिकेशन और ब्लूटूथ कॉलिंग तो ये आपको 3 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है और अगर आप हैवी यूज करोगे तो ये भी आपका सुबह से शाम तक चला देता है, यानी कि 1 दिन का बैकअप आपको इस पे मिल जाता है। एंड चार्जिंग टाइम की बात कर रहे हैं तो दोनों वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है इसके साथ जो आता है एंड उसको आप अपने फोन से, पावर बैंक से, डेस्कटॉप लैपटॉप से चार्ज कर सकते हो और दोनों ना 1.5 घंटे के अंदर आपका फुल चार्ज हो जाता है। अगला पॉइंट है गाइस क्या ये स्मार्ट वॉचेस वाटर रेजिस्टेंट है। तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के ऊपर मैंने वाटरप्रूफ टेस्ट वीडियो बना के रखा है। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो टेस्ट को आप कॉपी करना घर पे। इनको मैंने 1-1 मिनट तक पानी के अंदर डुबा के रखा था और दोनों ने ना टेस्ट को सर्वाइव कर लिया है। 1 मिनट पानी में रहने के बाद भी ये दोनों खराब नहीं हुआ और मैंने तो इसका फ्रीजिंग टेस्ट भी किया था, बर्फ जमा दिया था 24 घंटे रखने के बाद, फिर भी ये जिंदा है और अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। हाँ हल्के फुल्के बारिश पे ये भीग जाएगा तो उससे आपका स्मार्ट वॉच खराब नहीं होगा। अब आते हैं गाइस लास्ट पॉइंट पे प्राइसिंग के ऊपर। T800 स्मार्ट वॉच जब आया था काफी महंगा बिक रहा था शुरू शुरू में एप्पल वॉच क्लोन कह के, बट अब इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है और आपको ये 500 रुपए के अराउंड आराम से ना ऑनलाइन देखने को मिल जाता है। ऑफलाइन पे तो आपको और भी कमी मिल जाएगा। और T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की बात करें तो ये आपको ऑनलाइन ना 650 से 700 रुपए के अराउंड देखने को मिल जाएगा, हो सकता है उससे कम भी आपको मिल जाए सेल के टाइम पे, और ऑफलाइन ये आपको 500 रुपए के अराउंड देखने को मिल सकता है। अब आते हैं गाइस कंक्लूजन के ऊपर। मेरा मेन यही रहेगा कि अगर आपको कम से कम प्राइस में आपका बहुत टाइट बजट है और आपको एक स्मार्ट वॉच का मजा लेना है तो आप T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच ले सकते हो। काफी डिसेंट फीचर्स है, काफी डिसेंट लुक मिल जाता है और आपको ना कभी भी ये कमी नहीं खलेगा कि मैंने कोई गलत चीज ले लिया है। लेकिन अगर आपके पास बजट है, आप 200-300 रुपए और लगा सकते हो, 600-700 रुपए का आपका बजट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि T900 से अच्छा आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ा डिस्प्ले मिलता है, लुक ज्यादा इसका प्रीमियम आपको देखने को मिलता है कंपेयर टू T800 स्मार्ट वॉच। दोनों को मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊं तो देखो आपको ना T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच बड़ा है, ज्यादा आपको प्रीमियम नजर आता है। इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के जो बेस्ट बाय लिंक होंगे वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के चेकआउट कर लेना, वहां से जाकर के आप इनको परचेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ और पॉइंट्स था आपके दिमाग में तो नीचे मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ एंड जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।